देखिए, इशू की जाए आज धोती उपरना और सहरा के श्रृंगार देखेंगे। हम छोटे पर अपना पूरी धोती कैसे बांधे वो भी देखेंगे। और अगर आपके पास छोटे स्वरूप है, वैसे तो यहाँ भले ये पटका और ये फोंदना है प्रभु के स्वरूप में पहले से मोर बिराज रहे, फिर भी हम पूरी धोती धराने का प्रयत्न करेंगे। और अगर जिनको ये फिर भी भले ये सब ना हो, फिर भी छोटा स्वरूप और ना पाए ना, तो ऐसी तैयार धोती पटका मिलते हैं, तो ये भी धर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर कनियों नहीं आएगा, प्रभु को धोती और पर्दनी जब धरे ना तब नहीं आए। या शास्त्र में भी लिखा हुआ है, दुहेरो वस्त्र जैसे अपन नहीं पहनते ना स्वयं, वैसे प्रभु को भी नहीं आए वैसे। तो ये धोती धराने को वीडियो में अलग से बताऊंगा, कोई पाग चंद्रिका वगैरह में। आज सहरा के साथ हम पूरी धोती धर के बता रहे हैं। तो सबसे पहले एक लंबा वस्त्र ले लिया है किनारी। अरे हाँ, और छोटे स्वरूप है ना तो ज़्यादा मैंने यहाँ आग्रह नहीं रखो कि यहाँ लेस लगे, क्योंकि देखिए आप अवकाश भी बहुत कम है, तो अभी इसमें से धोती जब पधरेंगे अगर लेस होगी तो बिगड़ जाएगी। इससे अच्छा कि लेस के बिना की ही धरे, सिर्फ ऐसी किनारी करके। यहाँ अपन दो तो धोती पहने ना तो गांठ बंधे प्रभु में, ऐसा नहीं कर सके अपन। यासु यहाँ देखिए, यहाँ ना लगाव लगाई देंगे। यहाँ से है ना पाटली, वैसे तो ऑटोमेटिक बन ही गई है। देखिए अभी यहां से पैटर्न ले लेंगे। ऐसे यहाँ है ना, ये पटका के यहाँ पहले से पटका है ना, इसलिए ज़रा थोड़ी मोटी बनी है, बाकी एकदम परफेक्ट कमर में जो बैठ जाए वैसी आती। आप यूं ही ऐसे ही रख सकते हैं और ऐसे करके जैसे अपन पहने ना ज़्यादातर लोग, ऐसे भी धरा सको, पर मैं नॉर्मली धरा हूँ। अभी यहाँ श्याम डोरा बांध लेंगे ऊपर, यहाँ डोरो लगा दिए। यहाँ से आपको लगे ना कि खुल रहे हो तो यहाँ ना लगाव की गोटी करके यहाँ से जो खुलो छोड़ो ना वो धराई देना को। पटका वैसे आप अभी ले इसको धरा ही सके, कोई बात नहीं है। अभी अंतरवास के पटका आप अंदर रहे हैं, कहीं जगह ज़्यादातर मैंने तो यही देखा है अंतरवास के पटका ही धरे, पर देखिए यहाँ मैं अभी हाथ के पीछे से आ करके ना धरा ही सके। यहाँ से थोड़ा प्रकार अलग बता रहे हैं, पर दिखेंगे वैसे ही कि अंतरवास के ही पटका हो। सर्वप्रथम तो ही ना यहाँ ये जो खुला पटका दिखे यहाँ पहले कटी पेज धरा देवेंगे।
ऐसे दर्शक है, पर ये जरा बड़े हुए हैं, छोटे नहीं कर पाए हैं, पर फिर भी प्रयास करें हैं अभी आगे थोड़े छोटे स्वरूप है तो। ये जरा बड़ी एक आदि पे ले लेंगे और जरूरी नहीं कि बत्ती के ही करे, अगर आपको ये छोटी से सी जोड़ वाली माला भी चले ना तो भी कोई बात नहीं है, तो जो फिर अनुकूल लगे वो धराई होगी। वैसे ये रीत नहीं है प्रॉपर, मैंने जरा पहले अंदर की माला धरा दी फिर बाहर की बीच की, ऐसा नहीं, अंदर बाहर से अंदर को ही लेना, पर ये जरा माला जी मुझे मिल नहीं रहा है तो आंसू करें बत्ती के श्रृंगार के साथ थोड़ा आज प्रयास करे हैं। ये दोनों तरफ की है, छिप की भी दर सके, अभी इस बार ऐसी दरी है ना।
रुमाल आ जा रहे हैं। धुमला पे धरे हैं या सो मकर आकृत कुंडल धरे हैं। कुंडल में भी सब धर्म में थोड़ो थोड़ो क्रम अलग है। आपके यहाँ जो आए उस रीत सुहिले यही कहेंगे, सहरा धरे तब चोटी जी हमेशा इस तरफ धरे। कहीं घरन में ऐसे भी छोटी सी धरवे के लिए गांधी जी पर, अच्छा गांधी जी पर ही पता है, गांधी पिट्ठी करके गांधी पर तकिया पर। छोटे स्वरूप में सहरा के श्रृंगार थोड़े भारी भी किए हैं, धोती पूरी धरी है वैकेशन, सब तरफ से दिखा रहे हैं। हमने हमारे यहाँ जैसी रीत है वैसे बने उतना प्रयास की है, फिर भी आपके यहाँ थोड़ो कुछ अलग रीत होए तो आप अपने गुरु घर में जो है रीत वैसे ही करें। मैं बताऊँ, मैं यहाँ से अपने गुरु या वैष्णव वगैरह से जो सीखे हूँ मैं वो बता रहा हूँ आपको। आपके यहाँ जो रीत है वो ही करनी, ऐसा नहीं है कि मैं जो रीत बताऊँ वही सभी घर में होए। जैसे कि कुंडल की रीत सभी कहीं गरण में सहरा के साथ सिर्फ मयूराकृत कुंडल भी आ रहा है। अभी सभी गरण के रीत से थोड़े थोड़ा अलग है, आप अपने यहाँ की रीत से आप थोड़ा फॉलो करो। मेरा प्रयास यही है कि आपको
मुझे जो सिखाया गया है वो मैं आपके संग शेयर करूँ। श्री वल्लभादीश की जय।